आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको फोन पे से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। सो अगर आप भी फोन पे ऐप से किसी भी म्यूचुअल फंड में SIP चालू करना चाहते हैं या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देख लीजिएगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। और वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल नहीं रहेगा जिसका जवाब आपको इस वीडियो में ना मिले। साथ ही मैं आपको इसमें यह भी बताने वाला हूँ कि कैसे आप सिर्फ 100 रुपये की SIP को चालू करके करोड़ों की वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कैसे अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो वो कई सालों के बाद यहाँ पर करोड़ों रुपए हो जाएंगे, ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और साथ ही वीडियो के एंड में मैं आपको इसके बारे में एक ऐसी भी चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपको इससे पैसे इन्वेस्ट करते वक्त 1000 रुपये बचाएगा। तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए फ़ोन पे ऐप से आपको अपने मोबाइल फ़ोन में फ़ोन पे ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसे ओपन करें तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखना है वेल्थ का। यहाँ पर आपको वेल्थ का ऑप्शन देख जाएगा, अगर यहाँ नहीं दिखता है तो आपको यहाँ पर बॉटम में देखने को मिल जाएगा। तो इसी पर आपको यहाँ पर व्यू ऑल पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इन्वेस्टमेंट वाला फीचर आपके मोबाइल फ़ोन में ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको इसके ऐप के बारे में बताया जाता है, जैसे इसका शेयर मार्केट एक ऐप है जिससे आप शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक सर्च का बटन मिलता है जिससे आप म्यूचुअल फंड को सर्च कर सकते हैं। और इसमें जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको इनके द्वारा कई सारे इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ देखने को मिल जाते हैं। जैसे बेस्ट SIP फंड में आपके सामने वो फंड आते हैं जो कि यहाँ पर SIP के लिए बेस्ट हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारे फंड आ गए हैं। इन फंड्स में ग्रोथ का चांसेस हाई है, कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है और ये 3 साल की इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल आइडियल फंड है। मतलब आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी ये फंड देखने को मिल जाते हैं जो कि यहाँ पर SIP के लिए बेस्ट फंड है। इसके बाद आपको इसमें टैक्स सेविंग फंड का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने टैक्स सेविंग फंड आ जाते हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करके अपना यहाँ पर 46,800 रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं। इन फंड्स में ग्रोथ का चांसेस हाई है और इनमें यहाँ पर 3 साल का लॉक इन पीरियड भी है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे 3 साल के लिए लॉक हो जाएंगे, आप उन्हें 3 साल तक निकाल नहीं पाएंगे। साथ ही इन फंड को ELSS फंड भी कहा जाता है। इसके बाद इसमें आपको 3-in-1 फंड का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने मिक्स फंड आ जाते हैं। मतलब ऐसे फंड जो अपना पैसा इक्विटी, डेब्ट और गोल्ड तीनों में इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ स्टार्ट विद 100 पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो फंड आ जाएंगे जिनमें आप 100 रुपये की SIP चालू कर सकते हैं। ये फंड हाई ग्रोथ वाले हैं, कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। मतलब जो भी इसके फीचर्स होते हैं वो भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप टॉप कंपनीज पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने वो स्टॉक्स आ जाएंगे जो कि इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में अपना पैसा लगाते हैं। आप उन फंड्स को देख सकते हैं। अगर आप टॉप कंपनीज वाले फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें थोड़ा रिस्क कम हो जाता है, लेकिन इसीलिए आपको इसमें थोड़ा रिटर्न भी कम मिलता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ ट्रेंडिंग थीम्स पर क्लिक करोगे तो आपके सामने वो फंड आ जाएंगे जो कि एक पर्टिकुलर थीम्स यहाँ पर या फिर एक पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनीज में अपना पैसा डालते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेनिफिट फ्रॉम द हाई ग्रोथ ऑफ बिजनेसेस इन टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर एंड थीम्स। मतलब ये पैसा सिर्फ एक ही सेक्टर की कंपनीज में लगाते हैं। जैसे ये है DSP इंडिया टाइगर फंड। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसकी सारी डिटेल्स भी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अगर आप न्यू फंड ऑफरिंग पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने सभी नए फंड आ जाते हैं। मतलब ये वो फंड हैं जो कि अभी लिस्ट नहीं हुए हैं, ये मतलब आने को हैं। अगर आप शुरुआत में ही इनमें पैसे लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर टॉप परफॉर्मिंग यहाँ पर फंड पर क्लिक करके उन फंड को देख सकते हैं जिन्होंने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फंड हैं, यहाँ पर इसने 38.3% का रिटर्न दिया है। ये फंड बहुत ज़्यादा रिस्क वाले होते हैं, इनमें 5 साल से ज़्यादा के लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और इनमें ग्रोथ भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा इसमें लॉक इन पीरियड भी नहीं है और ये यहाँ पर सीजन्ड इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं।
तो इस प्रकार से आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। अगर आप और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको टॉप फंड्स इन फोकस में वो फंड्स देखने को मिल जाते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा अभी इन्वेस्ट किया जा रहा है। अगर आप एक्सप्लोर ऑल फंड पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से सभी फंड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप इनमें फिल्टर भी लगा सकते हैं। अगर आप फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो जिसका भी आपको फंड चाहिए आपको उस पर क्लिक करना है, अप्लाई फिल्टर पर क्लिक करना है और आपके सामने उसके सभी फंड आ जाएंगे। इसी प्रकार अगर आपको SBI के सारे फंड चाहिए तो आप यहां से SBI को सेल करेंगे, अप्लाई फिल्टर पर क्लिक करेंगे और आपके सामने SBI के सारे यहां पर फंड आ जाएंगे। यहां पर से मतलब आप फिल्टर वाइज अपने स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं। कैटेगरी पर क्लिक करके आप कैटेगरी वाइज यहां पर फंड देख सकते हैं। जैसे अगर आपको इक्विटी में स्मॉल कैप वाले फंड चाहिए तो आपको इस पर क्लिक करना है, अप्लाई फिल्टर पर क्लिक करना है और आपके सामने इक्विटी के सभी स्मॉल कैप फंड आ जाएंगे और उनको आप यहां से देख सकते हैं और उनमें आप पैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप रिटर्न वाइज देखना चाहते हैं, जैसे वो फंड सबसे ऊपर आए जिनमें सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया हो, यहां पर वो फंड ऊपर आए जिनने यहां पर जिनका फंड साइज ज़्यादा हो, तो इस प्रकार से आप इनमें यहां पर शॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर वगैरह लगा सकते हैं। इसके बाद आप और नीचे आकर सभी म्यूचुअल फंड को कैटेगरीज वाइज देख सकते हैं। जैसे जो लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड होते हैं वो अपना पैसा इंडिया की लार्ज कैप वाली कंपनियों में लगाते हैं। लार्ज कैप की कंपनियां वो होती हैं जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज़्यादा होता है। इसी प्रकार ये जो फंड है ये लार्ज और मिड कैप दोनों में अपना पैसा लगाता है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो स्टॉक्स आ जाएंगे जो कि लार्ज और मिड कैप वाली कंपनियों में अपना पैसा लगाते हैं। मिड कैप पर क्लिक करके आप उन फंड को देख सकते हैं जो मिड कैप में अपना पैसा लगाते हैं और स्मॉल कैप पर क्लिक करके आप उन फंड को देख सकते हैं जो स्मॉल कैप में अपना पैसा लगाते हैं। फ्लेक्सी कैप वो फंड होते हैं जो कि सभी यहां पर मतलब लार्ज मिड स्मॉल कैप सभी में यहां पर पैसा लगाते हैं। आप उन स्टॉक्स को भी देख सकते हैं। गोल्ड पर क्लिक करके आप गोल्ड वाले म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं और इंडेक्स पर क्लिक करके आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं। इंडेक्स म्यूचुअल फंड वो होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करते हैं। जैसे मान लो जो इंडिया का निफ्टी 50 इंडेक्स है उसमें इंडिया के टॉप 50 कंपनीज आती हैं। तो अगर आप इंडिया के यहाँ पर इंडेक्स फंड में जाते हैं और यहाँ पर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा उन्हीं कंपनीज में लगाया जाएगा जो निफ्टी 50 के अंदर आती हैं। और इसके बाद आप वैल्यू पर क्लिक करके आप वैल्यू वाइज यहाँ पर अपना पैसा लगा सकते हैं, मतलब जो लॉन्ग टर्म में जिन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है आपके सामने वो म्यूचुअल फंड आ जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसमें सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ कैलकुलेटर भी देखने को मिल जाते हैं जिनके बारे में मैं आपको भी बाद में बताने वाला हूँ। तो अब आप जिस भी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपको उस म्यूचुअल फंड को यहाँ पर ढूंढ लेना है। अब जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा डालना चाहता हूँ तो मैंने इस पर क्लिक किया, आपके सामने इसका यहाँ पर पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इस म्यूचुअल फंड के बारे में और भी जानकारी चाहिए तब आपको इस पर क्लिक करना होगा और आपके सामने इस म्यूचुअल फंड की सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे ये एक म्यूचुअल फंड है जिसने लास्ट 3 ईयर्स में 27.31% का पर एनम रिटर्न दिया है, मतलब हर साल इसने अगर एवरेज निकाला जाए 3 साल का तो 27.31% का रिटर्न दिया है। अगर 5 साल का निकाला जाए तो इसने 27.09% का दिया है हर साल, और जब से ये लॉन्च हुआ है तब से अगर निकाला जाए तो इसने हर साल 21.1% का रिटर्न दिया है। इसके बाद आप इस पर क्लिक करके ये देख सकते हैं कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप SIP इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कम से कम 100 रुपये से SIP इसमें चालू कर सकते हैं, और अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब आप इसमें 1,000 रुपये से कम इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। लेकिन वन टाइम में ही अगर आप सेकेंड टाइम इसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे होगे तब आप 500 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हो कम से कम। इसके बाद आप नीचे आकर फंड का यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे ये फंड साइज कितना है, ये फंड 45,470 करोड़ मैनेज करता है। ये फंड 30 जुलाई 2004 में लॉन्च हुआ था। इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। इसमें यहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर ये इतना अच्छा रिटर्न दे रहा है तो इसमें रिस्क भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जहाँ रिस्क है वहाँ पर रिटर्न भी अच्छा मिलता है। इसके अलावा आप टाइप में देख सकते हैं कि ये इक्विटी यहाँ पर फंड है और ये वैल्यू फंड है। इसके अलावा यहाँ पर क्लिक करके आप इसका एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं। ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ होती है, क्योंकि ये एक्सपेंस रेशियो वो यहाँ पर होता है जो मतलब हर साल ये फंड आपसे चार्ज लेता है, मतलब इसमें इन्वेस्ट करने के आपसे कुछ चार्ज भी लगते हैं।
तो वो एक्सपेंस रेशियो के द्वारा ही लिए जाते हैं, जिनमें जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा वो फंड आपसे चार्ज उतना ज़्यादा लेता है। इसके अलावा आप यहाँ पर प्लान टाइप देख सकते हैं, जैसे ये रेगुलर फंड है, इसके अलावा प्लान ऑप्शन ये ग्रोथ फंड है, इसके अलावा यहाँ पर आपको इसका NAV देखने को मिल जाता है। NAV का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दरअसल जब आप किसी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा डालते हैं तो आपके NAV के हिसाब से उसके यूनिट्स मिलते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि इसका NAV प्राइस 500 रुपये है और आप इसमें 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 500 रुपये के हिसाब से आपको इसके यूनिट्स मिलेंगे। अब अगर 10,000 को 500 रुपये के NAV के प्राइस से डिवाइड करते हैं तो आपको इसके 20 यूनिट मिलेंगे। मतलब जब आप किसी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा डालते हैं तो उसके NAV प्राइस के हिसाब से आपको उसके यूनिट्स मिलते हैं, और जैसे जैसे उसका NAV प्राइस बढ़ता है, मतलब जो जितना फंड ग्रो करता है उसका NAV प्राइस उतना ही बढ़ता जाता है। तो मान लो कि इसका 500 से NAV प्राइस 600 चला जाता है, तो आपको इसके 20 यूनिट मिले थे तो उसी हिसाब से आपका प्राइस भी बढ़ जाएगा। अब जैसे 20 यूनिट को 600 NAV प्राइस से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके उन 10,000 रुपयों की वैल्यू 12,000 हो जाएगी। तो यहाँ दोस्तों यही होता है, आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, उसके आपको NAV मिलते हैं, और जैसे जैसे वो फंड बढ़ता है उसका NAV प्राइस बढ़ता जाता है, और आपको उसी हिसाब से यहाँ पर आपको रिटर्न भी मिलता है। नीचे आकर आपको इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको विड्रॉवल चार्जेस भी देखने को मिल जाते हैं। अगर आप 12 महीने के पहले ही इससे अपने पैसे निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड भी देना होगा। इसके बाद आप नीचे आकर यहाँ पर अपना रिटर्न कैलकुलेटर भी देख सकते हैं। जैसे मान लो कि आप इसमें मंथली SIP चालू करते हैं और आप ये SIP 3 साल के लिए करते हैं 500 रुपये की, तो 3 साल बाद आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 26,690, जिसमें आपको 27.31% का रिटर्न मिलेगा। इसी प्रकार अगर आप यहाँ पर इन्हीं पैसों को फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं तब ये पैसे आपके सिर्फ 19,879 रुपये ही होंगे, क्योंकि उसमें आपको 6.55% का रिटर्न मिलेगा। और अब मैं यहाँ पर आपको पहले ये बताता हूँ कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तब आप यहाँ पर करोड़पति कैसे बनेंगे। मतलब अगर आप 100 रुपये की SIP चालू करते हैं तो उसमें आप यहाँ पर करोड़पति, मतलब 1 करोड़ रुपये आपके कब हो जाएंगे, जैसा कि मैंने वहाँ पर आपको SIP कैलकुलेट करके दिखाया था। लेकिन अब मैंने यहाँ पर एक ऑफिशियल कैलकुलेटर ओपन कर लिया है और इसमें मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि मान के चलते हैं कि आप 100 रुपये की SIP चालू करते हैं और आप ये SIP 30 साल तक चालू रखते हैं, मतलब आप 30 साल तक ये 100 रुपये एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते जाते हैं और उसमें आपको 27% का रिटर्न मिलता है, जैसा कि मैंने आपको वहाँ पर वो म्यूचुअल फंड आपको ओपन करके दिखाया था जिसमें मैं इन्वेस्ट करने वाला था, उसमें मुझे 27% का रिटर्न मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर मान के चलते हैं कि मुझे 25% का ही रिटर्न मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डाल दी और कैलकुलेट पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पर 100 रुपये की SIP 30 साल के लिए यहाँ पर चालू की है जिसमें मुझे 25% का रिटर्न मिल रहा है, उसमें अगर मैं 30 साल तक ये इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मेरा यहाँ पर एक्सपेक्टेड अमाउंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 43.8 लाख रुपये, जिसमें मैं 36,000 रुपये खुद इन्वेस्ट करूँगा और यहाँ पर 43.4 लाख रुपये का मुझे रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर इसी रिटर्न को मैं यहाँ से बढ़ा के 27% या 30% कर देता हूँ तब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका एक्सपेक्टेड अमाउंट 1.2 करोड़ हो जाएगा, जिसमें मैं 36,000 रुपये इन्वेस्ट करूँगा और इसके अलावा इसमें मुझे 1.2 करोड़ रुपए का यहाँ पर गेन मिलेगा, मतलब प्रॉफिट होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसमें आपको इतना भी यहाँ पर मतलब रिटर्न मिल सकता है अगर आप 100 रुपये की यहाँ पर SIP चालू कर देते हैं किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में। तो ये थी दोस्तों सारी चीज़ें जिसके बारे में मैंने आपको अभी बता दिया। और अब मैं एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाला हूँ अपने पैसे, तो मैं इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाला हूँ तो मैंने इस पर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना इन्वेस्टमेंट टाइप चूज़ करना होता है कि आप किस प्रकार से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप एक ही बार में अपने सभी पैसे लगाना चाहते हैं तब आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे, और अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब आपको मंथली SIP चालू करनी होती है। तो मैं यहाँ पर SIP चालू करना चाहता हूँ तो उसके मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी डेट चूज़ करेंगे कि किस डेट को आपके अकाउंट से पैसे कट कर इस म्यूचुअल फंड में जमा हो जाएं। तो वो डेट मैं यहाँ पर दोस्तों 27 रखना चाहता हूँ तो वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब आप अपना अमाउंट डालेंगे
कि आप कितने रुपए की SIP चालू करना चाहते हैं। जैसे मैं इसमें यहाँ पर मिनिमम 500 रुपए की SIP चालू कर सकता हूँ और मैक्सिमम यहाँ पर 500 या 50,000 जितने की चालू करना चाहूँ वो चालू कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं 500 रुपए की ही चालू करना चाहता हूँ, तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और इसके बाद अब आपको क्या करना है कि सिंपली आपको यहाँ पर इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको KYC के लिए अपने यहाँ पर डिटेल्स को एंटर करना होगा, जैसे पैन कार्ड और भी आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स वगैरह डालनी होगी। तो यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे और लेट्स बेगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लेट्स बेगिन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर अपनी एडिशनल डिटेल्स डालनी होगी, जैसे आपका नेम, उसके बाद ईमेल, उसके बाद ये डिटेल्स किसकी है वो आप यहाँ से सेल करेंगे। यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अपना जेंडर चूज करेंगे, फादर का नेम डालेंगे, अपनी एनुअल इनकम डालेंगे, मतलब आप साल का कितना कमाते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आप कोई नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो उसको भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। उसके बाद आपको इस पर टिक करना है और प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सभी डिटेल्स को डालने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, तो उस OTP को आपको यहाँ पर डालना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो आपका KYC वेरिफिकेशन है वो सबमिट हो जाएगा। आपको यहाँ पर ओके गॉट इट पर क्लिक करना है और आपके सामने पेमेंट को कंप्लीट करने का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन उसके पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो डिवाइस है वो भी वेरीफाई नहीं है, तो आपको सिंपली यहाँ पर वेरीफाई डिवाइस पर क्लिक करना है। आपको अपनी सिम चूज़ करनी है कि किसमें आपकी सिम पड़ी हुई है, उसको चूज़ करेंगे और सेंड SMS पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद जो आपका डिवाइस वेरीफिकेशन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिवाइस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद अब आप जिस बैंक से अपनी ये SIP चालू करना चाहते हैं उसको आप सेल कर लेंगे। जितनी भी बैंक आपने अपने फ़ोन पे में ऐड की होंगी वो सभी आपके सामने आ जाएंगे। जैसे ये मेरी बैंक नहीं है दो, इसीलिए इसमें करंटली अनअवेलेबल लिखा हुआ है, लेकिन ये वाली मेरी ही बैंक है इसीलिए मैं इससे SIP चालू कर सकता हूँ। तो सिंपली आप उसे सेल करेंगे और अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर ऑटो पे इसका स्टार्ट करना होगा, मतलब यहाँ पर पहली SIP अभी जमा हो जाए और उसके बाद आगे जो मंथ की SIP आएंगी, जैसे नेक्स्ट मंथ जो 27th को मेरी SIP बैंक से कटकर इसमें जमा होगी वो ऑटोमेटिक जमा हो जाए, उसके लिए आपको ऑटो पे पर इसको सेट करना होता है। तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, अपना यहाँ पर UPI पिन डालेंगे और UPI पिन डालने के बाद जैसे ही आप सही के बटन पर क्लिक करोगे तो आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है और ऑटो पे भी सेट हो गया है। यहाँ पर 500 रुपये इस फंड में मेरे जा चुके हैं। इसके बाद अगले यहाँ पर मतलब नवंबर में, अभी यहाँ पर अक्टूबर चल रहा है, नवंबर में जो 27th तारीख आएगी उस तारीख को ऑटोमेटिक मेरे पैसे बैंक से कटकर इसमें जमा हो जाएं, उसके लिए ऑटो पे भी सेट हो गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप फ़ोन पे से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। इसके बाद अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर माई पोर्टफोलियो का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करके अपना इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। जितना भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया वगैरह होगा वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएगी। मैंने आज ही इन्वेस्ट किया है इसीलिए मुझे इसके अभी यूनिट नहीं मिले हैं। 3 दिनों के अंदर आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट मिल जाते हैं और 3 दिनों के बाद आपका म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में दिखाई देने लगता है। जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया होता है वो सारी डिटेल्स आपको यहीं पर दिख जाती है। जैसे ही आप माई SIP पर क्लिक करोगे तो जितने भी आपने SIP चालू की होंगी वो सभी आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। इसके बाद माई ऑर्डर पर क्लिक करके आप अपने सभी ऑर्डर देख सकते हैं, मतलब जो भी आपने ऑर्डर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए प्लेस किया होगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और इसके बाद व्यू एक्टिव ऑर्डर पर क्लिक करके अपने सभी एक्टिव ऑर्डर को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप फोन पे ऐप से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। और अब मैं आपको एक ऐसी ज़रूरी चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपको इससे इन्वेस्टमेंट करते वक्त पैसे भी बचाएंगे। दरअसल मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर आप फ़ोन पे ऐप से किसी भी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा डालते हैं तो ये यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर डाला जाता है, डायरेक्ट नहीं डाला जाता है। जैसे मैं यहाँ पर एक म्यूचुअल फंड को ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं उसकी डिटेल्स में जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो प्लान है वो रेगुलर है, मतलब पहले आपका पैसा फ़ोनपे के पास जाता है
और उसके बाद ये इसको म्यूचुअल फंड के पास भेजा जाता है और फिर आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। लेकिन अगर आप किसी ऐप से मतलब इसमें पैसा डालते हैं और वो ऐप डायरेक्ट आपका पैसा म्यूचुअल फंड में लगाता है, तब वो डायरेक्ट प्लान टाइप हो जाता है और उसमें आपसे चार्जेस कम लिए जाते हैं। जैसे ये एक फंड है ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, इसमें एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं कि 1.55% का है। लेकिन अभी मैं इस फंड को ग्रो में ओपन करके आपको दिखाऊंगा और उसमें आप देख पाएंगे कि इसका एक्सपेंस रेशियो कम होगा। मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप फोन पे ऐप से किसी म्यूचुअल फंड में SIP चालू करते हैं तो उसमें एक्सपेंस रेशियो आपसे ज़्यादा लिया जाता है। लेकिन इसी जगह अगर आप एक अच्छे ब्रोकर से यहाँ पर पैसे मतलब इन्वेस्ट करते हैं, जैसे ग्रो से या फिर आप एंजल वन या फिर आप स्टॉक या जिरोधा, मतलब इन ऐप से अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हैं तो इसमें एक्सपेंस रेशियो आपसे कम लिया जाता है। जैसे मैंने इसी फंड को यहाँ पर ग्रो ऐप में ओपन किया है और यहाँ पर मैं जैसे ही नीचे आता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.99% है। तो इसीलिए अगर आप फोन पे से किसी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा डालते हैं तो उसमें आपसे एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा ले लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप थोड़ा बहुत पैसा म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हैं तो आप फोन पे से डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत सारा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक ब्रोकर के यहाँ अपना अकाउंट ओपन करा लेना चाहिए और फिर आप वहाँ से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो कम देना होगा। साथ ही मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब आप ब्रोकर से इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चार्ज भी लिए जाते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी चीज़ें पता चल गई होंगी और आप फोन पे से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना सीख गए होंगे। अगर सीख गए हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।